नागपुर नगर निगम की ओर से भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर 26 जनवरी 2022 को स्वतंत्रता सेनानी यादव राव देवगढ़े के घर के सामने नाम फलक लगाया गया। इस दौरान नगर सेवक अमर बागड़े, नगर सेवक डॉक्टर परिणीता फूके, रघुवीर देवगढ़े, आकाश पांडे, गणेश अजमेरे आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा, इस अभिनव परियोजना की शुरुआत मनपत ने की है। देश को गुलामी से आजाद कराने में अहम भूमिका निभाने वाले नागपुर के स्वतंत्रता सेनानियों के घरों के सामने नेम प्लेट लगाने का फैसला किया गया है। नई पीढ़ी को पता होना चाहिए कि उनके परिवार से स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। भारतीय स्वतंत्रता के पीछे हमारे शहर के लोगों का योगदान, उनके बलिदान। मेयर ने कहा कि उन्हें प्रेरित करने के लिए यह पहल की गई है। महापौर दयाशंकर तिवारी के विचार से नागपुर शहर में 301 स्वतंत्रता सेनानियों के घरों पर नेम प्लेट लगाई जाएगी। 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के दौरान यादव राव देवगढ़े को 3 दिनों के लिए लकड़ागंज जेल में रखा गया था। यादव राव देवगढ़े 1971 में विधान परिषद के विधायक चुने गए। वह वर्तमान में स्वतंत्रता संग्राम गौरव समिति के अध्यक्ष हैं और इसके संयोजक चिरंजीव रघुवीर देवगढ़े हैं। 0 माइल स्थित शहीद गोवारी स्मारक में उनकी प्रमुख भूमिका थी। इस मौके पर यादव राव देवगढ़े ने कहा कि यह काबिले तारीफ है कि नागपुर शहर में नगर निगम द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को इस तरह से सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने महापौर दयाशंकर तिवारी को धन्यवाद दिया। नगर की ओर से आजादी की 75वीं वर्षगांठ, गणतंत्र की 72वीं वर्षगांठ, साथ ही साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, इन तीनों के त्रिवेणी संगम पर नागपुर महानगर पालिका ने एक निर्णय लिया है कि नागपुर शहर में रहने वाले जिन परिवारों ने देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत सरकार द्वारा जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में पुरस्कृत किया गया, ऐसे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के घर के सामने नाम फलक लगा करके वर्तमान पीढ़ी को उसकी जानकारी देना चाहिए। इस नाम फलक में केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी करके उनका नाम नहीं है, हमने इस शहर की ओर से यह भी लिखा है कि भारत के आज़ादी के आंदोलन में इस परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए हम इस परिवार को सतशत नमन करते हैं। हमने नागपुर शहर की समस्त जनता की ओर से अभिवादन किया और आज गणतंत्र दिवस के पावन प्रसंग पर हमने 2 जगह तख्ती लगाई है। पहली तख्ती शहीद शंकर मोहल्ले के घर पे लगाई, जिन्हें 16 साल की उम्र में फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन बलिदानी के साथ साथ जो आज भी जीवित रह करके हमारे सामने प्रेरणा स्त्रोत्र है, ऐसे यादव राव जी देवगढ़े हमारे समक्ष है, जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन को अपनी आंखों से देखा है, उसमें भाग लिया है, उसमें सहभाग लिया है। हमने उनका भी आज उनके घर पर आकर के नाम फलक लगाया है। ईश्वर इन्हें दीर्घायु दे, मैं ऐसी कामना करता हूँ, और ऐसे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से समाज को प्रेरणा मिले, इस हेतु इस नाम फलक का हमने विमोचन किया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।